जैसा कि देख सकते हैं आपकी मैं एक और न्यू वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज की वीडियो इस प्रकार से कि आज हम अनबॉक्सिंग की वीडियो नहीं कर रहे हैं, आज हम एंड्रॉइड टिप्स ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं, जो कि है एयरटेल थैंक्स ऐप को अपने दूसरे नंबर में ऐड कैसे करें। यानी आप एयरटेल थैंक्स ऐप को यूज करते हैं तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि उसमें दूसरा नंबर कैसे ऐड किया जाता है, तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ गाइस, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो कमेंट। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ। सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करना है, तो चलिए ऐप ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ सेकेंड आपको वेट करना है, ठीक है गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन हो गया है। यहाँ पे अब हम अपना नंबर ऐड करके दिखाएंगे, दूसरा नंबर कि यहाँ पे कैसे ऐड किया जाता। चलिए अब इसको बैक करते हैं। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने इस एयरटेल थैंक्स ऐप पे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके होल्ड करना है। होल्ड करने पे आपको ये ऑप्शन आएगा, देखिएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, रिमूव का ऑप्शन है, ऐप इम्पो का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ढेर ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऊपर से थर्ड ऑप्शन पे, ऐप इन्फो पे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले यहाँ आपको देखने मिलता है ओपन का ऑप्शन, अनइंस्टॉल का ऑप्शन और फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से आपको थर्ड ऑप्शन पे, यहाँ जैसे देख सकते हैं पहले में यहाँ लिखा नोटिफिकेशन परमिशंस स्टोरेज एंड केस, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज एंड केस पे क्लिक करना है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन और आ गया है, क्लियर स्टोरेज एंड क्लियर केस का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको ओके कर देना है। इसको करने के बाद आपको देन बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप जब एयरटेल थैंक्स ऐप को दोबारा प्रेस करके ओपन करेंगे, तो आपको जैसा प्ले स्टोर में नया ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सभी इन्फॉर्मेशन मांगता है, सेम टू सेम उसी तरह बिल्कुल नया हो जाएगा यहाँ आपको। तो चलिए ओपन करते हैं इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ गाइस पूरा ऑप्शन आ गया शुरू से। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अलाउ एयरटेल टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, आप इसको कब यूज करना चाहेंगे वाइल यूजिंग द ऐप। और यहाँ पे नेक्स्ट आता है ओनली दिस टाइम, यानी आप जब ऐप को चालू करें तो उस टाइम को आपको लोकेशन देना है कि पहले से ही रखना है। तो हमको यहाँ पे लिख देना है ओनली दिस टाइम पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देन आपको यहाँ पे नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे नंबर डालने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे ओटीपी आ चुका है गाइस, तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं, ठीक है। तो बैक जाके यहाँ पे आपको इसको इग्नोर दिस कर देते हैं। यहाँ पे ओटीपी आया है, देखिए गाइस जैसा कि 0702, तो यहाँ पे आपको लिख दें और कौन से सिम में आपका ये नंबर है उस पर आपको क्लिक कर देना, चॉइस कर देना है कि किस नंबर पे आपका ये सिम लगा है जिसको आपने नंबर ऐड करना है, जिस सिम का नंबर को। तो मेरा 1 में लगा तो मैं इसको 1 में करके क्लिक कर देता हूँ प्रोसीड पे। देन यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। यहाँ कुछ समय बाद ये कुछ सेटिंग का वेट करवाएगा आपको, कुछ सेकंड के यहाँ वेट करिए, देन आपका यहाँ पे वो चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्किप कर देना है और वेट करना कुछ सेकंड, और यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नंबर ऐड हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट की बिना मत जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक शेयर आल्सो कमेंट्स। चलिए मिलते हैं एक और नए धांसू ट्रिक्स के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।